Do you want a good song? Don't know. This is the song. This is the song. पिछले 15 सालों से सफर कर रहा हूं, शहरों में, वीरानों में, जंगल और बयाबानों में, कस्बों में और गांवों में। फर्श पर भी सोया हूं और तख्त पर भी रात गुजारी है। तजस्सुस की वजह से ऐसी जगहों पर भी गया हूं जहां पर खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था। जिस जगह का नाम सुना बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लान के पहुंच गया। आज भी एक शहर जा रहा हूं। इस शहर का टिकट कैरेक्टरलेस सर्टिफिकेट समझा जाता है। दिल कहता है चला जाओ, लेकिन कदम साथ नहीं देते। दिल पर एक बोझ सा है, लेकिन तजस्सुस की वजह से जाने पर मजबूर हूं। तो चलिए मेरे साथ। भाई और बहनों, मेरा नाम यहिया खान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाईलैंड के एक मशहूर शहर जिसका नाम है पताया या पटाया। सही तलफ़ुज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, पटाया है या पताया है, जो भी है, बस यही शहर है। और ये थाईलैंड का मोस्ट विजिटेड शहर है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सयाह आते हैं। और इस शहर का नाम पटाया क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आता है तो शायद इस शहर का नाम पटाया इसलिए है कि यहाँ पर पटाने का काम कुछ ज़्यादा होता है, शायद इसलिए। ये मेरी अपनी सोच है। मैंने 2 दिन पहले अपने सफ़र का आगाज़ किया था चिंगराई से। चिंगराई यहाँ से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है और ये सारा सफ़र मैंने बस में किया। बस के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप थाईलैंड में सफ़र करते हैं वो भी बस में, तो यहाँ पर 2 किस्म की बस चलते हैं। एक बस होता है सिंगल, वो अच्छा है, ठीक है, उसमें आप सफ़र कीजिए। दूसरा है डबल स्टोरी वाला, डबल डेकर बस, उसमें आपने कभी भी सफ़र नहीं करना। उसकी वजह यह है जब आप ऊपर वाले पोर्शन में बैठते हैं ना, तो वो इस तरह झूलता है, इस तरह आपको बहुत डर लगेगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और काफ़ी अनकंफर्टेबल है ये राइड, तो आपने इस बस को अवॉइड करना है। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो सफ़र करने के लिए, तो नीचे बैठ जाइए। वो जो टिकट देने वाले होते हैं ना, यहाँ पर लड़की बैठी होती है, वैसे यहाँ पर थाईलैंड में सबके सब मर्द पता नहीं काम क्यों नहीं करते, हर जगह औरत को बिठाया हुआ है। वो जो लड़की आपको टिकट देती है ना, तो उसको आपने कहना है कि नीचे वाले पोर्शन का टिकट दे दीजिए, ऊपर वाले का नहीं। ऊपर वाला बहुत अनकंफर्टेबल है, और चूँकि पूरे रास्ते में अनकंफर्टेबल रहा, नींद पूरी नहीं थी, मैं बहुत थका हुआ था, तो जैसे ही मैं शहर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने फ़ौरन अपने लिए हॉस्टल बुक किया और वहाँ पर मैं आराम से सो गया। हॉस्टल से निकलने के बाद मेरे साथ एक अजीब किस्म का वाकया हुआ और वो वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने पूरी तरह तवज्जो के साथ सुनना है और बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक उसमें छुपा हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैंने अपने हॉस्टल बुक किया, लड़की ने मुझे एक चाबी चेन दे दिया जिसमें चाबी नहीं थी। तो उस टाइम मैं काफ़ी थका हुआ था, तो मैंने लड़की से ये भी नहीं पूछा कि मैडम आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ चाबी चेन दिया है और उसमें तो चाबी ही नहीं है। खैर, अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं शाम के और मैं चला गया और सो गया। रात को 9 बजे मैं उठ गया। रात को 9 बजे उठने के बाद मैं बाहर चला गया बीच पर। यहाँ पर मेरे हॉस्टल के पास एक खूबसूरत बीच है, मैं बीच पर चला गया और 12:30 बजने के बाद मैं वहाँ से वापस आया। अब जब मैं वापस आया हूँ तो हॉस्टल का दरवाज़ा तो लॉक है, मैं कटखटा रहा हूँ लेकिन कोई खोलने को तैयार ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं। और मैं जब अपनी जेब में देख रहा हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चाबी चेन है, चाबी है ही नहीं। यकीन करें मैं 2:30 बजे तक वहाँ पर बैठा रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई अभी आ जाए और हॉस्टल का दरवाज़ा खोले ताकि मैं अंदर दाखिल हो सकूँ। खैर, मेरी किस्मत अच्छी थी कि 2:30 बजे के बाद
एक लड़का बाहर निकल आया और उसने दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। खैर, मैं अंदर डायरेक्ट दाखिल हुआ, काफ़ी थका हुआ था मैं। अब जब सुबह हुई तो मैं सीधा चला गया, वो जो रिसेप्शन पर वो लड़की बैठती है ना, मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे कहा, मैडम ये आपने मेरे साथ क्या क्या किया आपने, मैं तो कल पूरी रात मैंने हॉस्टल के बाहर गुजारे क्योंकि मेरे पास चाबी थी ही नहीं। तो वो हैरान हो गए कि नहीं, मैंने तो आपको चाबी दी है। मैं उसे कह रहा हूँ, नहीं आपने चाबी नहीं दी। वो कह रहे कि नहीं, मैंने आपको चाबी दी है। तो अब वो लड़की मेरे साथ काफ़ी गर्म हो गई, मुझे कह रहे हैं कि एक तो आपने चाबी को गुम किया है, ऊपर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने आपको चाबी दिया ही नहीं। और मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया। मैंने उसे कहा, एक तो आपने पूरी रात मुझे बाहर बैठाया, ऊपर से मुझे कह रहे हो कि आपने चाबी को गुम किया है। खैर, हमारी काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। फिर मैंने वो चाबी चेन निकाला, उसको दिखाया। मैंने उसे कहा, मैडम जी देखो ये चाबी चेन है, इसमें चाबी नहीं था, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 2 टक्के का जो है ना चाबी चेन दिया था। और फिर लड़की मज़ीद गुस्सा हो गई और यकीन करें वो सर पकड़ कर बैठ गई। उसने मुझे कहा, आओ मेरे साथ। मुझे दरवाजे के पास लेकर गया और वहाँ पर वो जो दरवाज़ा है ना, वो दरअसल डिजिटल दरवाज़ा है और ये जो चाबी चेन है ये एक चिप है। आप इस चिप को उस दरवाजे के पास ले जाकर टच करते हैं वहाँ पर और वो दरवाज़ा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो यकीन करें उस टाइम मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ और मैंने उससे माजरत भी की। मैंने उसको 2-3 बार सॉरी कहा, लेकिन वो इतनी नकचड़ी थी कि वो जो है ना, उसने मेरे सॉरी को भी कबूल नहीं किया। तो आज जो मेरे साथ हुआ, इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि बहस करने से पहले, लड़ने से पहले सोच लिया करें। और हो सकता है आप जिस चीज़ पर लड़ रहे हो कोई कोई गलत फहमी हो। तो इससे पहले कि मैं इस शहर को एक्सप्लोर करूं, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बुद्धा का मुजस्मा है। तो आइए सबसे पहले बुद्धा जी का और उसके बाद इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। थाईलैंड के लोग बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग हर शहर में, शहर के सबसे ऊंचे मकाम पर बुद्धा का मुजस्मा बनाते हैं। ऊंची जगह पर इसलिए बनाते हैं ताकि इनके खुदा को पूरा शहर नज़र आए। शायद यहाँ की खुदा का भी मेरी तरह नज़र कमज़ोर है। यहाँ पर लोग बुद्धा के मुजस्मे के पास जाते हैं। बड़े मुजस्मे तक पहुँचने से पहले यहाँ के लोग छोटे मुजस्मे के साथ राजो न्यास करते हैं। पैसे वाले डायरेक्ट पैसा पेश करते हैं और मेरी तरह गरीब हो तो पूल पेश किया जाता है। लोग सामने पूल रखते हैं, चले जाते हैं और यहाँ पर ये पूल ज़ाया नहीं होते। यहाँ का मंक वही पूल बुद्धा के सामने से उठाकर दूसरे लोगों को बेचता है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। खुदा भी खुश और बंदे खुदा भी खुश। आप यहां पर अपने नाम का शम्मा जलाकर खुदा को खुश कर सकते हैं। यहां पर बुद्धा के कदम का निशान है। यहां पर भी लोग पैसा रखते हैं। एक जापानी औरत ने मुझे सिक्का दिया कि यह सिक्का बुद्धा के कदम पर रखो, खुश नसीब बन जाओगे। मैंने इनसे कहा कि आपका शुक्रिया, लेकिन मैं ऑलरेडी खुशकिस्मत हूं। मैं जिंदा हूं और जिंदगी से बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। यहाँ पर एक मंक बैठा है जिसको पैसे देकर लोग अपने लिए दुआ करवाते हैं। हमारे पश्तों में एक कहावत है कि ठोल चल पैसो होता दे। मेरा ताल्लुक चुन के डायरेक्ट खुदा से है और हमारे दरमियान कोई मजहबी ठेकेदार नहीं है, तो खुदा मेरे साथ सरगोशी करता रहता है और कहता है, यहिया खान मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे कमज़ोर बंदों का ख्याल रखो, मैं तुमसे राजी हूं। अच्छा जी, तो बुद्धा बाबा जी के साथ तो बहुत सारे बातें हुई हमारी, बहुत सारे बातें प्राइवेट है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि उसने मुझे कहा, यहिया खान तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जबरदस्त हो, लाजवाब हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वीडियोस बनाते हो, आपका चैनल 1 मिलियन क्या 10 मिलियन पर पहुंचने वाला है।
और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने जो मुझे कहा उस पर अमीन कहा और वहाँ से मैं निकल गया। और अभी जहाँ पर हम जाने वाले हैं वो एक इमारत है, ज़बरदस्त किस्म की इमारत है, लकड़ी से बना हुआ है। और इमारत नहीं है बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है सबसे पहले वहाँ पर जाता है, तो मैं भी अब वहाँ पर जाने वाला हूँ। लेकिन मसला ये है कि वो यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है, तो जिसके पास पैसा है उसने तो फॉर्चुनर को भी टैक्सी बनाया है, टैक्सी की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो तो मेरी तरह है, मिडिल क्लास है, गरीब है, शाहिद अनवर की ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ जो मर, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन स्कूटी है, लेकिन स्कूटी भी मैं यहाँ पर नहीं चला सकता क्योंकि यहाँ का पुलिस बहुत ख़तरनाक है और वो आपसे लाइसेंस मांगते हैं, वो भी इंटरनेशनल, पाकिस्तानी लाइसेंस यहाँ पर नहीं चलता, तो वो ऑप्शन तो हमारे लिए क्लोज है भाई। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर गरीबों की सवारी, तो अभी आइए गरीबों की सवारी पे बैठते हैं और पहुँचते हैं उस तारीखी इमारत तक। तो चलिए मेरे साथ। शाहिद अनवर जो बोलता है ना वो सोलाने सच है, आप उनके अल्फाज के साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन वो जो बोलता है ना वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और मैं उसकी तस्दीक इसलिए कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पैसा भी देखा है और बेइंतहा गुरबत भी देखी है। शाहिद अनवर के साथ इख्तिलाफ करने से पहले वो जो कहता है ना उस पर थोड़ा सा सोचा करें कि वो क्या बोलता है। अभी देखिए अमीरों को देखिए, अमीर किस तरह गाड़ियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में बैठे हुए हैं और आराम से इंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरे जैसा देखो इंतज़ार कर रहा है गाड़ी के लिए। ये देखो अमीर ने फॉर्चुनर सी टैक्सी बनाया है, ये देखो पाकिस्तान में इसको देखना भी फ्री नहीं है, उसके भी पैसे लगते हैं। और यहाँ पर लोग उसको टैक्सी में चलाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग अमीर हैं। तो अमीर बनो, अमीर गरीब मत बनो। गरीब आपको उसका ये नारा बुरा लगता है ना, वो सच बोलता है मेरे भाई, वो सच कड़वा होता है। अब मुझे देखो ना, गरीब को यहाँ पर सवारी नहीं मिलती। अब गरीब यहाँ से जाएगा 1.5 किलोमीटर जाएगा पैदल और वहाँ से फिर गाड़ी के लिए इंतज़ार करेगा और फिर वो जाएगा अपने मंजिल मकसूद तक। और अमीरों को देखो फॉर्चुनर में जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गुरबत इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा। किसी को भी इस दुनिया में गरीब नहीं होना चाहिए। और सुबह सवेरे जब मैं यहाँ पर वॉक कर रहा था तो काफ़ी धूप थी और काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ज़बरदस्त हो गया, ठंडा हो गया, आशिकाना हो गया और मज़ा आ रहा है यहाँ पर पैदल वॉक करते हुए। और मेरे ख़्याल से ये सामने जो है ना स्टॉप है, तो यहाँ पर हम तो गरीबों की सवारी के लिए यहाँ पर इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। लगता है गरीबों की सवारी आ गई। 399 गरीबों की सवारी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और गरीबों की सवारी भी काफ़ी कंफर्टेबल है यार, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये वो तसल्लिया है जो हमेशा गरीब अपने आप को देता है। ये क्या चीज़ है और फॉर्चुनर क्या है यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन गरीब फिर भी अपने आप को तसल्लिया देता है, यार देखो क्या कंफर्टेबल चीज़ है। और गरीबों की सवारी में किराया सिर्फ और सिर्फ 10 बात, ठीक है ना। आप जहाँ भी उतरना चाहो आपने 10 बात यहाँ पर देने ही। पाकिस्तानी 90 रुपये बनते हैं फी स्टॉप, लेकिन यहाँ पर 10 बात देकर आप कहीं पर भी उतर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर उतरना चाहें तो यहाँ पर चीखने की चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है, भाई साहब रुक जाओ मेरा स्टॉप गुजर गया, ठीक है ना। आप उतरना यहाँ पर चाहते हैं और आपको अगले स्टॉप पे उतार देते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख लिया आपने, आप यहाँ पर जहाँ पर भी उतरना चाहें, जहाँ पर भी आपने सिर्फ एक बटन दबाना है। पूरी गाड़ी में 4-5 बटन लगे हुए हैं और आप सिर्फ बटन प्रेस कीजिए और भाई साहब फौरन गाड़ी रोक देते हैं, फौरन। गरीबों की गाड़ी है लेकिन ये सहूलत इसमें मौजूद है और ये सहूलत मुझे बहुत अच्छा लगा। शाबाश। دالم بچی دی چاته ستم نکړی ګوره ها دام نو ویجی یا خانه ته بل مرغه لته تم جوزوس کا قسم دې کا سلام هم در باندې چي
अजीब मखलूक देखो रहा हैरान बपातिश। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ वो आपने किसी पश्तून भाई से पूछ लीजिए। गरीबों की सवारी थी इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना टोटल रास्ता जो है तकरीबन 10 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन 1 घंटा लग गया भाई साहब, 1 घंटा लग गया। लेकिन बहरहाल मैं पहुंच गया हूं, पहुंच गए। अच्छा जी, अब देखते हैं ये लोग यहां पर क्या बेचते हैं। और पता है आपको टिकट कितनी का है? 500 रुपये का। जुल्म है यार ये, 500 बात। सवादी कप? हाँ, 1 adult 6 feet 2 inch Okay. Push on shoes, sorry. Okay. Oh, this is my lucky number. Yes, lucky number. Yeah, I'm very lucky. Have a good day. Yeah, thank you. ये सब मैंने 1000 रुपये दे दिए इसको यार, इसने तो 500 वापस नहीं दिए। वेयर इज माई 500? बिकॉज आई गिव यू 1000। सॉरी, ये भी लूटने वाले थे, लूट तो वैसे भी रहे हैं, अभी देखो यहीं खान को लूट रहे हैं, कमाल है यार। इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा कैबिन नजर आया जिसमें मुझे हलाल फूड मिला, नमाज पढ़ने की जगह मिली, कुरान मजीद मिला और बगैर किसी खौफ व शर्म के वहां पर नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ते हुए मैं काफी शर्मिंदा हुआ कि इन लोगों ने तो हमारे लिए मस्जिद बनाई, क्या हम अपने मुल्क में इन लोगों के लिए मंदिर बना सकते हैं? क्या ये हमारे सामने हमारी गली मोहल्ले के अंदर अपने इबादत कर सकते हैं? जिस कुशादा दिली से इन्होंने हमें कबूल किया है, क्या हम इनको कबूल कर सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। आप भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है कि इस्लामाबाद में हमने क्या किया था, केपीके में हमने क्या किया था, कैलाश वैली में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वाई कैलाशी पीपल हेट अस, इस तरह का मैंने टाइटल दिया है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या यहया खान कैलाश वैली सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या गुल खिला रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई हजियो और जीने दो पर अमल कीजिए, वरना यकीन करें जितने जलील हम आज हैं ना, मजीद भी जलील होने वाले हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक आटे के लिए कतारों में खड़े होते हैं। और मजीद तफसील में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि सच के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, जो भी सच बोले हम उसकी ज़ुबान खींचते हैं और हम उसको बुरा भला भी कहते हैं, कमेंट्स में गालियाँ भी देते हैं, तो मुझे गालियाँ खाने का कोई शौक़ नहीं है मेरे भाई, और जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए जी, शाम होने वाली है, चलते हैं। यहाँ पर लकड़ी का एक इमारत है, ये दरअसल एक अजूबा है, एक पीस ऑफ आर्ट है। लकड़ियों के जरिए हिंदू मजहब और फलसफे जिंदगी को बयान किया गया है। मैं अगर एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। Thank you.
इस खूबसूरत इमारत से निकलने के बाद तकरीबन शाम होने वाली थी और शाम गुजारने के लिए इससे बेस्ट जगह और क्या हो सकती है। ये पताया शहर का बैक साइड है और मैं यहाँ पर इत्तेफाकन आया। वो अलग बात है कि ये शाम मेरे जिंदगी की एक यादगार शाम बन गई। No, thank you. What is this? This is water. Yeah. मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो इन्होंने मुझे ये बॉटल ऑफर किया, तो मैंने सोचा यार ये पानी है जैसे कि आपको दिख रही है ना, बिल्कुल सफ़ेद पानी की तरह है। तो मैंने बोला यार हो सकता है पानी हो, तो मैं यकीन करें गटकने लगा था। फिर मैंने सोचा यार हो सकता है ये लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये पानी तो नहीं हो सकता ये पानी। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई ये क्या है, फिर दोनों ने बताया कि भाई साहब ये विस्की है। तो विस्की का नाम कई बार सुना था, फिल्मों में ड्रामों में मैंने सुना था, लेकिन पहली बार इसको इतनी करीब से देख रहा हूँ। तो ब्रदर ये है विस्की, और ये बिल्कुल पानी की तरह क्यों है यार? जहाँ तक मैंने सुना था कि ये शराब है और बहुत आला क्वालिटी की होती है, तो ये तो बिल्कुल पानी की तरह है, और इसकी बू भी जो है ना बिल्कुल वो स्पिरिट नहीं होती जब कोई बंदा ज़ख्मी होता है ना उसके ऊपर जो स्पिरिट लगाते हैं, इसकी बू भी वही स्पिरिट वाली है। काफ़ी अजीब लगा यार यहाँ पर। मैं मज़हबी एंगल से बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं पीऊँगा। मज़हबी लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप पीते हैं तो आप जाने और आपका खुदा जाने, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को क्यों पीऊँगा यार, इसका ना जायका अच्छा है ना, मतलब क्या है ये, क्यों पीऊँगा मैं इसको? इसकी जगह मैं कोई नारियल पानी क्यों ना पीऊँ, कोकोनट वाटर, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, ज़बरदस्त किस्म के ड्रिंक मिलते हैं, वो क्यों ना मैं पीऊँ? लेकिन खैर लोग हैं, दुनिया है, किसी को क्या पसंद है किसी को क्या पसंद है, मैंने आपको अपना पसंद बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई साहब विस्की नहीं पी सकते, ये तो पी सकते हैं ना यार। भाई साहब बहुत मूड में हैं, ये भाई भी काफी मूड में हैं। हेलो, No speaking English. Do you know? This is the song. This is the song. Bhai saab ekdam mast ho gaya. How was this song? थाईलैंड की जमीन को लैंड ऑफ स्माइल कहा जाता है, क्योंकि ये लोग हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। पता नहीं लोगों के पास ऐसा क्या है जिससे ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। मेरा ताल्लुक तो एक ऐसे माशरे से है जहां पर खुश होना, जोर से हंसना भी गुनाह समझा जाता है। एक टाइम था कि मैं लोगों की परवाह करता था, लोगों की बातों से खुश और गमगीन होता था, लेकिन आज मैं माशरे के खुद साख्ता उसूलों से बागी हूं और अपने हर खुशी और गम का जिम्मेदार हूं। अच्छा जी, अभी बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करेंगे कि यहिया भाई वीडियो ख़त्म होने वाली है, लेकिन आपने हमें पटाया कि असल चीज़ तो दिखाई ही नहीं। मैं पटाया नाइट लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो मेरे भाई आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा सकता। उसके दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि ये वीडियो मेरा बेटा एडिट करता है जो कि अभी अंडर 18 है और 14-15 साल का है, तो ये चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता। दूसरी वजह यह है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है ना फैमिली है उसमें, और बहुत सारे फैमिलीज़ इकट्ठे बैठकर मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो आई एम सॉरी ब्रदर, फैमिलीज़ की वजह से भी मैं ये चीज़ें नहीं दिखा सकता। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लौंडेला पाड़े टर्की किस्म के लोग मेरे चैनल पर बैठे हैं, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं वो चीज़ें दिखाता तो यकीन करें बहुत सारे व्यूज़ भी आने वाले थे और हो सकता है ये वीडियो वायरल भी हो जाता। लेकिन आई एम सॉरी ब्रदर, मैं नहीं दिखा सकता। मैंने आपको अपनी जो वजूहात है वो मैंने आपको आपके सामने रख दी, तो आई एम सॉरी। तो मैं आपको तो नहीं दिखा सकता लेकिन मैं खुद देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी रात के 8 बजने वाले हैं और 10 बजे मैं सोने वाला हूँ। मेरे पास तकरीबन 2 घंटे हैं, तो 2 घंटों में मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैं खुद जाने वाला हूँ देखने के लिए। तो बहुत शुक्रिया, मेरा माजरत कबूल कीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ज़रूरी बात भाई साहब, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, बहुत हद से ज़्यादा, ठीक है ना। ओके जी।